नमस्कार दोस्तों, फिल्मी टशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जितेंद्र और संगीता बिजलानी की अभिनय से सजी फिल्म हातिम ताई के बारे में और जानेंगे फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्म से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने फैक्ट। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फिल्म हातिम ताई एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा फिल्म है जिसे 20 अप्रैल 1990 को रिलीज किया गया था। फिल्म के निर्माता हैं रतन मोहन और फिल्म को निर्देशित किया है बाबू भाई मिस्त्री ने। इस फिल्म में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरा है जितेंद्र, संगीता बिजलानी, सतीश शाह, सोनू वालिया, विजेंद्र घाटगे, आलोक नाथ, अमरीश पुरी, रजा मुराद, गोगा कपूर, राजेश विवेक और देव कुमार ने। फिल्म के गीत लिखे हैं हसन कमाल ने तथा संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म के एल्बम में टोटल 6 गाने हैं जिन्हें अपनी मधुर आवाज में गाया है मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, अनुपमा देशपांडे और कविता कृष्णमूर्ति ने। फिल्म को IMDB की ओर से 10 में से 5.8 की रेटिंग मिली हुई है और 73% गूगल यूजर ने पसंद किया है। दोस्तों, बात कर लेते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। फिल्म का बजट 1.9 करोड़ रुपए था और इस फिल्म ने भारत में 1.70 करोड़ का कारोबार किया था। अगर फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 2.30 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप करार दी गई थी। दोस्तों, बता देते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, जब फिल्म की घोषणा की गई थी तब इस फिल्म का नाम हातिम ताई सात सवाल रखा गया था, लेकिन बाद में इस फिल्म के शीर्षक से सात सवाल हटा दिया गया और फिल्म का नाम हातिम ताई कर दिया गया। फैक्ट नंबर 2, इस फिल्म का कथानक हातिम अल ताई की वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। ताई अरब जाति के एक प्रसिद्ध अरबी कवि थे। वह अत्यंत उदार और बहादुर होने के कारण आज तक अरबों के लिए एक प्रतीक हैं। फैक्ट नंबर 3, स्पेशल इफेक्ट के मास्टर कहे जाने वाले फिल्म निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री की निर्देशक के रूप में यह आखिरी फिल्म है। बाबू भाई मिस्त्री ने ज्यादातर धार्मिक फिल्में बनाई हैं। फैक्ट नंबर 4, अभिनेता जितेंद्र की बेटी एकता कपूर ने एक इंटरव्यू में हातिम ताई को अपने पिता जितेंद्र की सबसे खराब फिल्मों में से एक बताया था। फैक्ट नंबर 5, जितेंद्र और संगीता बिजलानी की एक साथ यह पहली फिल्म है और इस फिल्म के बाद 1991 में शिवराम और 1993 में तहकीकात जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया। फैक्ट नंबर 6, निर्देशक बाबू भाई मिस्त्री ने इसी कहानी को लेकर पहले भी साल 1971 में सात सवाल नाम से एक फिल्म बनाई थी। फैक्ट नंबर 7, संगीता बिजलानी की यही एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी। फैक्ट नंबर 8, साल 1990 की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में यह फिल्म 28वें नंबर पर थी। दोस्तों, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फिल्म की रोचक बातों के साथ।